एमक्यूएम राबता कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। अराकीन को मुस्तफा कमाल की ब्रीफिंग की ऑडियो लीक हो गई है। मुस्तफा कमाल बोले कि लीगी रहनुमाओं ने कहा कि पीपल्स पार्टी कहती है कि एमक्यूएम का मैंडेट 100% जाली है, हमारे नंबर्स पूरे हैं, एमक्यूएम की जरूरत नहीं है। तो हम मीटिंग करने जब वहां पे गए तो ऐसा लगता है जब हम जो है कमरा खोल कर घुस गए, बस कमरे में जब आप नजर आ जाते हैं कमरे में तो बोला भाई जो बैठ भी जाओ, तो कोई मूड नहीं था हमसे मीटिंग करने का। 40-45 हुई हमारी, हमने पूछा भाई क्या तय हुआ आपका पीपल्स पार्टी से। दो चीजें आपको बता देते हैं कॉन्फिडेंशियल होने के बावजूद। एक ये वो कह रहे हैं कि आपका मैंडेट 100% जाली है हमारा, ये पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारा 100% मैंडेट जाली। कॉन्फिडेंशियल में सारी बातें नहीं बताई, ये वाली बात बताई हमें। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी मिलाकर नंबर पूरे तो एमक्यूएम को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। अब ये पता होना चाहिए हमें ना, उनके नंबर पूरे हैं और पीपल्स पार्टी का ये सरार है कि भाई एमक्यूएम की जरूरत नहीं है। ये दो बातें उन्होंने हमें पहली मीटिंग में बताई। मुस्तफा कमाल ने ऑडियो असल होने की तस्दीक कर दी। वीडियो बयान में कहा एमक्यूएम लंदन ने ऑडियो लीक की। उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ और क्या बातें हुई, तो उसमें ये बता रहा हूँ कि पीएमएलएन के दोस्तों से जब हमने ये बात की कि भाई आपकी मीटिंग जो है वो पीपल्स पार्टी से कैसी रही, तो पीएमएलएन के दोस्तों ने हमें बताया कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के मिलने के बाद एमक्यूएम की जरूरत नहीं है। तो मैं अपने लोगों को बता रहा हूँ और राबता कमेटी ब्रीफ करूँगा, वो ये कह रहे हैं हमारे नंबर पूरे हैं। ये मीटिंग हो रही है राबता कमेटी से और उस राबता कमेटी के कमरे में मेरी ये वॉइस रिकॉर्डिंग कोई कर रहा है। बहुत दिनों से हमें ये इत्तला थी कि हमारे रैंक्स एंड फाइल में कोई एमक्यूएम के लोग बैठे हुए हैं और वो उनके लिए काम कर रहे हैं। हमें पता नहीं चल पा रहा था, शक था कुछ लोगों पे, लेकिन हम कंफर्म नहीं हो पा रहे थे। इस ऑडियो ने हमें तमाम फॉरेंसिक जब हमने इसका चेक कराया, मालूम करा, तो हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि कौन है जो राबता कमेटी में बैठकर एमक्यूएम लंदन के लिए काम कर रहा है। क्योंकि ये ऑडियो रिलीज जो की है वो लंदन ने की, जो उनका एक घुसबैठिया हमारे दरमियान बैठा हुआ है, जो उनका एजेंट बैठा हुआ है, उसने उसकी पकड़ाई दे दी है। तो जिस चीज का हमें बहुत दिनों से इंतजार था, कोशिशों में लगे हुए थे, इस ऑडियो लीक के जरिए हमें पर्सनैलिटी का पता चल गया कि जो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं।